सत श्री अकाल जी। पीटीसी न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ नीलम शर्मा लैके हाजिर हाँ साड़ी खास पेशकश माझा मालवा दुआबा। शुरुआत करांगे दुआबे खिते दीआं खबरां दे नाल। होशियारपुर तो दिल नूं कंबाउण वाली घटना सामने आई है। दोते ने अपनी नानी दा कतल कर दिता। अपने दोस्तां नाल मिल के लुट दी नीयत नाल अपनी ही नानी नूं मौत दे घाट उतार दिता। पुलिस ने समान चोरी करदे हुए चार मुलजमान नूं काबू किया है। पिंड खानपुर थियाड़ा की यह घटना दसी जा रही है। पिंड खानपुर थियाड़ा की यह घटना दसी जा रही है। पति की मौत तो बाद मृतका घर विच इकली रहिंदी सी। इत्थे रिश्तों को भी शर्मसार कर दी है। तस्वीर है कि लुट की नीयत नाल इस कतल की वारदात को अंजाम दिता गया। पुलिस ने समान चोरी करते हुए चार मुलजमान को काबू किया। एक दोते ने अपनी नानी का कतल कर दिता। तस्वीर में तुम वेख सकते हो अपने पति की मौत तो बाद इकली रहिंदी सी महिला ते इस दे दोते ने इसका कतल कर दिता। होशियारपुर तो ये रूह कंबाऊ घटना जो है सामने आई है। क्योंकि नानी नाल बच्चों का बहुत ही ज़्यादा प्यार होंदा है, पर इत्थे एक दोते ने अपनी नानी का ही कतल कर दिता। अपने दोस्तों नाल मिल के इस वारदात को अंजाम दिता ते लुट दी नीयत नाल अपनी ही नानी नू मौत दे घाट उतार दिता। पुलिस ने समान चोरी करते हुए चार मुलजमान नू काबू किया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जाँच कर रही है। पिंड खानपुर थियाड़ा की एक घटना दसी जा रही है। साडे सहयोगी योगेश जुड़ गए ने वधेरी जानकारी देने दे लई। योगेश, नानी नाल बच्चों का बहुत प्यार होंदा, पर इत्थे ए एक रूह कंबाऊ मामला सामने आया। रिश्ता नूं शर्मसार करदा वी ये मामला सामने आया कि पैसों दे लई लुट दी नीयत दे नाल अपनी ही नानी का कतल एक दोते ने कर दिता। जी, रिश्तिआं नूं शर्मसार करदा है मामला। होशियारपुर के पिंड खानपुर थियाड़ा का है जो कि सामने आया, जिथे कि जानकारी मुताबक ये जिहड़ी महिला सीगी इहदा नाम ज्ञान कौर सीगा। 45 साल की उम्र की महिला सी ते अपने पति की मौत तो बाद ये घर दे विच इकली रहिंदी सी। और इस जिहड़ा जी उहदा आना जाना सीगा इहनां दे कोल घर दे विच। और जदों ये देखिया गया कि ये रूटीन दे विच इहनां दे घर आंदा सी 2-4 दिन 5 दिन छड्ड के, उस दिन गुआंढियों वालों एक शंका जताया गया क्योंकि यह घर का समान कढ़ता दिखाई दे रहा है। इसके साथी घर का समान कढ़ते दिखाई दे रहे थे। इस शंके के चलते जो पिंड के सरपंच पुलिस को सूचित किया गया, तो जो पिंड के सरपंच मोहतवार व्यक्तियों ने पुलिस के नाल आके अंदर जांच की, तो अंदर एक ज्ञान कौर की मृतक देह मिली, जिसके कारण यह पता चल सकया कि इन्होंने व्यक्तियों ने लुट की नीयत नाल इन्हें मारता है और घर के समान कढ़ते उत्थे रंगे हत्थी फड़े गए। जी योगेश, किस तरह इस कतल की वारदात नूं अंजाम दिता गया? कोई हथियार कुछ बरामद होया, तेजधार हथियार जां फिर कोई होर तरीका इन्हां वल्लों वरत्या गया? दर्शक जिहड़ियां तस्वीरां देख रहे ने उन्हां तस्वीरां चों देखण नूं मिल रहा है कि फिलहाल इहदे विच कोई हथियार नहीं वरत्या गया। गले दे विच ज्ञान कौर दे गले दे विच उसदी शॉल दे नाल उसदा गला घुट के इस कतल नूं अंजाम दिता गया है। और सिर्फ महज कुछ रुपया करके घर के कीमती समान करके अपने ही रिश्तों को तार तार कर दिया गया है। जबकि दोते और नानी का रिश्ता बड़ा प्यार का रिश्ता होता है, उन्होंने रिश्तों को तार तार करते हुए एक घिनौनी घटना जी सामने आई है। जी योगेश, पुलिस का हुण इस पूरे मामले नूं लेके की कुछ कहना है? पुलिस ने मौके पे आके जो जांच की, जो गुआंढियों वालों सरपंच वालों पुलिस को सूचित किया गया, तो जो देखा गया कि अंदरों इस साथी अते एक खुद समान चकदा दिखाई दे रहा है। उसके नाल ही जदों पुलिस ने शक दे तहत इन्हां नूं फड़िया अते नाल ही जदों होर कमरें दी जांच कीती तां शाल दे नाल मृतक देह मिली। फिलहाल इन्हां नूं पुलिस ने काबू च लै लिया है अते अगली पुछगिछ जारी है। जी जी योगेश, फिलहाल तमाम जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया। तो रिश्तियां नूं तार तार कर दी ए तस्वीर सामने आई है पिंड खानपुर थियाड़ा तो, जिथे एक दोते ने अपनी ही नानी का कतल कर दिता।